भरूचना पंडित ओमकारनाथ ठाकुर भवन में भरूच जिला कांग्रेस समिति द्वारा कौमी एकता प्रतीक अहमद पटेल जन्मदिवस निमित्ते प्रार्थना सभा आयोजन कर राज्यसभा सांसद इमरान प्रताप गढ़ी की उपस्थिति में योजाये सद्भावना सभा में मोटी संख्या में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं उपस्थित रही स्वर्गस्थ अहमद पटेल की याद में 2 मिनिट मौन पाड़ी तेमने श्रद्धांजलि अर्पण कर सम्मेलनों का आयोजन करें तो बड़ौदा और सूरत में उसके बाद उन सभाओं का आयोजन और आने वाले चुनाव में आप माइनॉरिटी सेल के प्रेसिडेंट माइनॉरिटी के लिए क्या आयोजन किया है गुजरात में सर? सिर्फ माइनॉरिटी ही नहीं पूरी गुजरात की आवाम के लिए वो लघुमती हो या बहुमती हो कांग्रेस पार्टी ने हमेशा उनके बुनियादी मुद्दों पर लड़ाई लड़ी है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने गुजरात मॉडल के नाम पे गुजरात को सिर्फ ड्रग्स दिए हैं। शराबबंदी की वजह से 70 लोग मारे गए और प्रधानमंत्री जी चुप हैं, गृहमंत्री जी चुप हैं। ऐसे में महंगाई के नाम पे आटा चावल दूध दही छाछ पनीर सब कुछ महंगा हो चुका है। प्रधानमंत्री जी लाल किले की प्राचीर से भाषण कर रहे हैं महिला सुरक्षा और महिला सम्मान की, और इधर महिलाओं के बलात्कार के आरोपी रिहा किए जा रहे हैं। तो सारे जो मुद्दे हैं उस सबको मिला करके जनता ये समझ रही है कि कांग्रेस को लाना पड़ेगा, कांग्रेस ही गुजरात को विकास के सही रास्ते पर ले जा सके। पब्लिक तो कांग्रेस को लाने रेडी है लेकिन आपकी पार्टी में सब बिखर रहे हैं। नहीं बिखर देखे, आप अगर आपसी मनमुटाव या मनभेद की बात करते हैं तो कांग्रेस के मनमुटाव मनभेद तो छोटे होंगे। भारतीय जनता पार्टी का मनभेद सोचिए कि नितिन गडकरी जैसे नेता को एक झटके में संसदीय बोर्ड से बाहर कर दिया गया, उनका बिखराव उनका मनमुटाव ज्यादा बड़ा है। उस पर भी सवाल पूछिए, हमारे तो बहुत छोटे हैं।